जो हमारे मन और तन के लिए कोई ऐसा खाना ना हम खाएं जिसकी वाइब्रेशन में हिंसा है, मृत्यु है, दुख है, दर्द है। ऐसी वाइब्रेशन कभी सेहत नहीं दे सकती, प्रोटीन दे सकती है सिर्फ, लेकिन एनर्जी क्या है उसकी। अपनी मर्यादाओं को, अपने संस्कारों को फिर से, अपने ही हैं लेकिन कभी कभी थोड़ा सा क्या हो गया, छूट गए, उन्हीं को वापस पकड़ना है। खाने को प्रसाद बनाएं, पानी को अमृत बनाएं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पानी वैसी वाणी। मतलब पानी पीने से पहले भी परमात्मा को याद करें, क्योंकि पानी में वाइब्रेशन होती है, शहर की वाइब्रेशन होती है, घर की वाइब्रेशन होती है। आप कहीं जाते हैं, आप उठाकर एक ग्लास पानी पीते हैं, उस पानी में उस घर की कोई भी चिंताएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इट्स इन देयर वाटर। और अगर हमने ऐसा ही उठा लिया, उसके बाद यहाँ कुछ होगा। इसलिए हमेशा एक संस्कार बना लें, एक आदत है जो तीन चार दिन में बन जाती है, कि कुछ भी खाने से पहले, कुछ भी पीने से पहले 10 सेकेंड पॉज, परमात्मा को याद करके आपकी सारी शक्तियाँ इस खाने में, ये खाना प्रसाद है, पानी अमृत है, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मैं पीसफुल आत्मा हूँ, मेरा शरीर निरोगी, जो संकल्प चाहिए वो उसमें डाल दिया, खा लिया, एनर्जाइज द फूड एंड वाटर बिफोर ईटिंग। नहीं तो कई बार तो सिर्फ खाने और पानी से ही बहुत वाइब्रेशंस अब्सॉर्ब कर लेते हैं हम। इट्स एन इमोशनल इन्फेक्शन, इमोशनल इन्फेक्शन होती है ये, कि जो हमारे लिए खाना बनाएगा उसके मन की स्थिति पे जो चल रहा होता है ना, वो वाइब्रेशंस अन्न में चली जाती हैं और कभी कभी वो हमारे पे डायरेक्ट असर करती हैं। तो परमात्मा को याद करे बिना और वो हाई एनर्जी उस खाने में डाले बिना कुछ हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए, देन वी आर प्रोटेक्टेड। तो फिर धन सात्विक, अन्न सात्विक, फिर मन सात्विक। अपने मन को सात्विक रखने के लिए रोज सुबह 1 घंटा अपने लिए रखें, 1 घंटा अपने लिए रखें। उठते ही फोन नहीं, उठते ही टीवी नहीं, उठते ही अखबार नहीं, उठते ही क्या होना चाहिए, उठते ही क्या होना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें ही बदली है ना हमारी संस्कृति में, यही तो बदली है और उसी का तो रिजल्ट है। तो सुबह उठते ही क्या होना चाहिए, परमात्मा को याद, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान की स्टडी, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वैसा हम बनते हैं। वी आर वॉट वी वॉच, रीड, लिसन। क्योंकि आज सारा दिन बहुत इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, बहुत कुछ सुन पढ़ देख रहे हैं, वो अंदर जाता जा रहा है और हमें पता ही नहीं चल रहा है क्यों मेरा गुस्सा बढ़ रहा है, क्यों मेरी चिंता बढ़ रही है, क्यों मैं क्रिटिसिज्म कर रही हूँ, बिकॉज वी आर वॉचिंग, रीडिंग, लिसनिंग दैट सारा दिन। तो कम से कम सुबह आधा पौना घंटा वो सुने, पढ़े, देखें जैसा हम बनना चाहते हैं। कर सकते हैं, सिंपल सिंपल। दिन की शुरुआत ज्ञान, स्टडी, मेडिटेशन, एक्सरसाइज फॉर द माइंड। मेडिटेशन मींस जो मैंने पढ़ा, स्टडी किया, सुना।